इस घर में तुम्हारा स्वागत है सुनंदा। आज से ये तुम्हारा घर है। तो आप सचमुच मुझ मनहूस को यहाँ रखेंगे? ऐसा मत कहो, ईश्वर का बनाया हुआ कोई भी प्राणी मनहूस नहीं होता। समाज के लोग तुम्हारी शक्तियों को ठीक से नहीं समझ सकते। तुम यहाँ रहो, हम तुम्हें तुम्हारी शक्तियां समझाएंगे। उसके बाद तुम्हें समाज को बताना कि तुम अपनी शक्तियों से समाज का कितना भला कर सकती हो, कितना भला। फिर देखना सुनंदा, ये समाज तुम्हें देवी समझेगा। देवी देवी, फिर मैं वहीं रहने लगी। लेकिन समाज के लोगों के लिए मेरा गुस्सा दबा नहीं था। मैं देवी बनकर उनका भला नहीं करना चाहती थी, मैं तो उनसे इंतकाम लेना चाहती थी। इंतकाम, और ये मौका तुम्हें अंधेरा दे रहा है। अंधेरा। उस दिन जब मैंने तुम्हें सड़क पर अकेले घूमते हुए देखा था, तो फौरन ले आया था मैं तुम्हें अपने केंद्र पर। तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया, और अब तो तुमने मुझे इस काबिल भी बना दिया है कि मैं दुनिया वालों से इंतकाम ले सकूं। तो अब इंतकाम का मौका जल्दी दो जैकॉल, जल्दी दो। अगर तुम कहोगे तो मैं दुनिया वालों से इंतकाम लेने से पहले मारूंगी शक्तिमान को। पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? आपने बताया था कि आप इस कक्ष से दुनिया में घटने वाली सारी घटनाओं को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आज हम जो देखना चाहते हैं उसके लिए मुझे तुम्हारी ऊर्जा की भी आवश्यकता है शक्तिमान। हाथों को मेरे सर पर रखकर अपनी ऊर्जा का प्रवेश मेरे शरीर में कराओ शक्तिमान। तुम्हारी ये मशीन? मेरी मशीन बता रही है कि सूर्यांशी तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? देख रहे हो, ये रोशनी के पुंज पृथ्वी के समस्त जीवित प्राणी हैं, और ये है लाल प्रकाश पुंज, हम सूर्यांशी। और ये है तमराज केल्विश के नुमाइंदे। इन्हीं के बीच कहीं होगी सुनंदा। तो उसे ढूंढिए महाशय,
वही प्रयास कर रहा हूं शक्तिमान। आप उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे महाशय? वो किसी अभेद कवच में है शक्तिमान। यदि हमने उस कवच को भेदने पर जोर लगाया तो सुनंदा की मृत्यु भी हो सकती है। अब क्या करें शक्तिमान? हमारा आखिरी प्रयास भी विफल हो गया। वो कहीं नहीं दिखी। यदि सुनंदा को नहीं रोका गया तो वो पूरे संसार में विनाश फैला देगी। अर्थात सुनंदा को किसी भी तरह से ढूंढना होगा महाशय, ढूंढना होगा। क्या उन्हें ये पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ? अब ये डॉक्टर जैकॉल की लैब है, द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल की लैब। यहाँ वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अंधेरा कायम रहेगा। अब वक्त आ गया है, तुम दोनों को साहब के पास जाना होगा। साहब के पास क्यों महामहिम? अब वही तुम्हें बताएगा कि किस तरह इस्तेमाल करना है सुनंदा को अंधेरे के लिए। अंधेरा कायम रहेगा। चलो सुनंदा, चलते हैं। हाँ बताओ, आज की क्या रिपोर्ट है? बोलो, तमराज किल्विश ने क्यों मुझे तुम्हारे पास आने को कहा? तमराज किल्विश ने हमसे कहा था कि तुम हमारे पास एक बहुत बड़ा आविष्कार लेकर आने वाले हो डॉक्टर जैकॉल। मेरा आविष्कार मेरे साथ है। फायर! वाकई बहुत ही कमाल का आविष्कार बनाया है तुमने डॉक्टर जैकॉल। हम खुश हुए। अभी तुमने इसकी पूरी ताकत देखी कहा है साहब? पूरी तरह से शक्तिमान है ये, कुछ भी कर सकती है ये। शक्तिमान की तरह किसी भी चीज के आर पार देख सकती है, यहां तक कि तुम्हारी शक्ल भी देख सकती है ये साहब। नहीं, हमारी शक्ल को देखने की जरूरत नहीं करना। तमराज किल्विश ने हमसे वादा किया है कि हमारी शक्ल कोई नहीं देख सकेगा। तमराज किल्विश के वायदे ने आज तुम्हें बचा लिया साहब, वरना सुनंदा की नजरों से बच नहीं सकती थी तुम्हारी शक्ल। अब कहो, तमराज किल्विश ने क्यों भेजा है हमें तुम्हारे पास? अंधेरे की एक नई जंग को लड़ने के लिए डॉक्टर जैकॉल, एक बिल्कुल नई जंग जो अलग तरह के मोर्चे से लड़ी जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर जैकॉल कि तमराज किल्विश चाहते हैं कि किसी नए सुपर हीरो की एंट्री समाज में हो, और वो नया सुपर हीरो और कोई नहीं सुनंदा होगी। तुम्हारा मतलब सुनंदा को भी शक्तिमान की तरह कारनामे करने होंगे, लोगों की भलाई करनी होगी? पहले भलाई डॉक्टर जैकॉल, फिर बुराई। मगर मैं शक्तिमान को खत्म करना चाहती हूँ। कर देना,
मगर बाद में। पहले उस शक्तिमान को तुम्हें खत्म करना होगा बेबी, जो हजारों लोगों के दिलों में बसा है। ठीक है, सुनंदा को कारनामे कब से शुरू करने होंगे? कल से ही डॉक्टर जैकॉल, कल सुबह से ही। हेलो जी कुमार सर, सारी अरेंजमेंट्स हो चुके हैं सर, बस हम लोग अभी स्टूडियो ही जा रहे थे वहाँ के अरेंजमेंट्स चेक करने के लिए। व्हाट? ऑलराइट सर, या ओके या। क्या हुआ? कुमार रंजन सर कह रहे हैं कि हमें अभी एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी? इसी वक्त। बोलो। पूरा इंतजाम हो गया साहब। काम को अंजाम दो। कारनामे का समय हो गया है डॉक्टर जैकॉल। हम तैयार हैं। पावर। कुणाल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सर ने हमें इस प्रेसिडेंट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए क्यों बुलाया है। हेलन वो हमारे बॉस हैं। उन्होंने जो भी कुछ किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ। उन्होंने सोचा होगा हमारा अकाउंट इस प्रेसिडेंट बैंक में ही होना चाहिए और नहीं है। नहीं, लगता है कोई दूसरा सुपर हीरो है। सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरोइन है। कौन है तू? नारी शक्ति हूँ मैं, सुनंदा है मेरा नाम। लोगों को मुसीबत से बचाना सुनंदा का है काम। ये शक्तिमान की तरह डायलॉग मार रही है। ये डायलॉग मार रही है, अपुन इसको गोली मारेंगे। क्या? इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दो। वन मिनट। अरे हटिए, तुम्हारा नाम क्या है सुपर हीरोइन? सुनंदा। तुम शक्तिमान की बहन हो? नहीं, मैं सिर्फ निर्बलों और कमजोरों की बहन हूँ और उन्हीं की रक्षा करने के लिए समाज में आई हूँ और हमेशा आती रहूंगी। तुम न्यूज चैनल के लिए एक सुपर हीरोइन चाहते थे ना? चाहता नहीं था, हमें एक नई सुपर हीरोइन मिल गई है, सुनंदा। वेल डन सुनंदा, वेल डन। उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरी है डॉक्टर। लेकिन शक्तिमान, सुनंदा के आते ही उसकी तो उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ग्रेट न्यूज, हमारे पास आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज है। न्यूज? ऐसी वैसी न्यूज नहीं गीता जी, एक ऐसी न्यूज जिसकी वजह से हमारा न्यूज चैनल टॉप पर पहुंच जाएगा। टॉप पर? टॉप यानी कि आकाश में? कमाल कर दिया आप लोगों ने। हमने अभी तक कैमरा पकड़ा ही नहीं, आप लोग ग्रेट न्यूज लेकर भी आ गए। कैसी न्यूज लेकर आई हो हेलन? कहीं तुम लोग शक्तिमान की कोई न्यूज लेकर तो नहीं आए हो ना? ये न्यूज शक्तिमान की बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उससे भी बढ़कर एक अलग न्यूज लेकर आए हैं हम। गीता जी, मैंने कहा था ना आपसे कि काश हमारे नए न्यूज चैनल के लिए एक नया सुपर हीरो होता, और आज हमें वो सुपर हीरो हीरो नहीं गीता जी, हीरोइन
आज हमारे नए न्यूज चैनल के लिए एक नई सुपर हीरोइन मिल गई है। हाँ क्या नई सुपर हीरोइन? यार लेडी शक्तिमान यार जी है कुणाल जी आप लोग क्या सच बोलते हैं जी? ये लो तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे अभी अभी उसका कारनामा देखकर आ रहे हैं हम। ना केवल देखा बल्कि हमने तो उसे बात भी की। क्या कमाल की पावर है उसमें। She's so powerful. हाँ और गीता जी शक्तिमान की तरह वो गोल गोल घूमती है। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये मिटती मानवता की क्राशा है सकती है फूलों में ढल सकती है शोरों से जल सकती है होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान 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 अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये मिटती मानवता की क्राशा है बाबा ने दर धन बने बने बने।